आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर चेक करके देखा है? क्योंकि अभी जो वहाँ पे परिजन थे उन्होंने कहा कि जब उस वक्त जब आग लगी तो उन्होंने जब फायर एक्सटिंग्विशर चालू किया तो वो फायर एक्सटिंग्विशर चल नहीं रहा था। बिल्कुल, हम जाके वहाँ सारी चीज़ें देखी। मेरा तो अपना इंस्टीट्यूट भी है, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, सारी चीज़ें रखी वहाँ, सब चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं। वेंटिलेटर आपके बिगड़े पड़े हुए हैं, सारे इक्विपमेंट बिगड़े पड़े हुए हैं, सारे ठेके प्रताप पे दिया हुआ है। ठेकेदार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये भगवान ही मालिक है। वो संस्था पूरी जो है वो डंप पड़ी हुई है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, डॉक्टर इनके हैसियत तो हो गई कि कचरे के डब्बों में पड़े रहो, कोई कुछ नहीं कर रहा। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पंगू हो गया वहाँ पर। और सरकार जो है सिर्फ चार मौतें बता रही है, जो समाचार पत्र है वो 10 और 12, और अभी अभी जो कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके माध्यम से 14 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, वहाँ पर कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज तीसरा दिन है घटना घटित होने को, क्या शासन और प्रशासन के माध्यम से कोई प्रेस ब्रीफिंग आई है या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री तो यहीं के हैं ना, भोपाल जिले के ही विधायक हैं, उनकी ड्यूटी नहीं बनती है? ऐसे विधायक बनती है उनकी ड्यूटी पहले, क्योंकि उनके क्षेत्र के भी पेशेंट जाते हैं वहाँ पर जो गरीब तबका है, तो उनकी भी ऐसे विधायक भी ड्यूटी बनती है। मंत्री बाद में आओ, लेकिन क्या किया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कोई आया, कोई बताया एक्चुअल फैक्ट आए क्या? तो और आपको ऐसा लग भी रहा है कि मौतों का आंकड़ा छुपा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना में इस प्रदेश के अंदर 2 से 2.5 लाख मरे और बताया गया कुछ हजार, वैसे ही हमारा बिल्कुल सरासर आरोप है कि मृत्यु वहाँ पर हुई है। वहाँ के जो पेरेंट के जो बच्चों के जो पेरेंट्स बता रहे थे, कल आदरणीय कमलनाथ जी के सामने बताया कि 150 बच्चे थे यहाँ पर। जैसे आप कह रही हैं आंकड़ा बताया 4 का, हमको भी 4 बताया था, 25-30 बच्चे हमको वहाँ दिखे जब हमने कल देखा वहाँ, जहाँ बच्चे रखे हुए थे नियोनेट बच्चे थे जो प्रीमैच्योर थे, मैंने जाके देखा तो वहाँ मुझे 20-25 से ज़्यादा बच्चे नहीं दिखे। जब पेरेंट बोल रहे हैं 150 बच्चे थे तो बाकी बच्चे गए कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क है शासन के ऊपर, जवाब देना चाहिए। तीसरा दिन है आज, सरकार का कोई जवाब नहीं आया, ना एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब आया।